नेपोटिज्म है नेपोटिज्म 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 है का नेपोटिज्म से नेपोटिज्म इज अ बॉलीवुड और नेपोटिज्म ये दोनों वो शब्द हैं जो एक दूसरे के बिना लिए नहीं जाते और बॉलीवुड की बात जैसी छिड़ती है और नेपोटिज्म का बात उठता ही उठता है। नेपोटिज्म की पहले भी बात होती थी लेकिन जो हल्ला 2020 में मचा वो भाई अभी तक है। जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तब भाई देश में पूरा हंगामा मच गया। पूरा देश बॉलीवुड को टारगेट करने लगा और टारगेट कैसे किया वही नेपोटिज्म को हथियार बना के। और सच मानो तो ये हथियार आज तक नीचे नहीं रखा गया है। तो भाई ये बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि बॉलीवुड स्टार किड्स को आम लोगों के मुकाबले ज्यादा फेवर मिलती है और बाहर के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है एज अ कम्पेयर टू स्टार किड्स। और हर चीज के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और इन बाहर वाले को बाहर वाले की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ता है लेकिन नुकसान के साथ कुछ ऐसे फायदे भी हैं इनके जिसमें से सबसे ज्यादा फायदा है तुम लोगों का प्यार यानी कि जनता का। तुमने ये बात को नोटिस जरूर किया होगा कि बाहर वाले को ज्यादा इज्जत मिलती है एज अ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को इंडस्ट्री प्यार करती है और बाहर वाले को हमारे जैसे तुम्हारे जैसे जनता प्यार करती है। और इंडस्ट्री वाले कितने भी हाथ पैर मारे कितना भी कोशिश करे लेकिन मेन पावर तो जनता के हाथ में रहती है और हमारा ही प्यार डिसाइड करती है कि कौन सी मूवी फ्लॉप होगी और कौन सी मूवी हिट करेगी। और यही प्यार को पाने के लिए कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ये प्रिटेंड करते हैं कि वो बाहर के हैं सेल्फ मेड स्टार है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टार हैं जो अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कनेक्शन को छुपाने की कोशिश करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जनता को लगे कि ये सेल्फ मेड एक्टर है ये बाहर से आए हुए एक्टर हैं उनको ये लगे और वो बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आज मैं इस वीडियो में 7 ऐसे एक्टर का नाम बताने वाला हूं जो कि तुमको लगेगा कि वो आउटसाइडर है लेकिन उनके बॉलीवुड में क्या क्या कनेक्शन है सारा चिट्ठा किट्ठा हम खोलने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। उनके इंडस्ट्री में घुसने से पहले ही उनके ऐसे कनेक्शन हैं जो उनको अपनी पहली फिल्म डेब्यू करने में काफी हेल्पफुल रहती है। बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं उनके साथ जो उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म डेब्यू करने के लिए उनकी काफी मदद करती है। अब मेरी बात तुम्हारे तक अच्छे से पहुंचे उसके वजह से मैं बॉलीवुड की 3 कैटेगरी को तुम्हारे सामने रखने वाला हूं। पहला वो जो कंप्लीट स्टार किड्स होते हैं उनके माँ बाप या कोई भी उनके रिश्तेदार एक्टर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो सकते हैं या उनकी फैमिली बॉलीवुड में होगी या बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी तरह का भी काम कर रही होगी। कुछ ऐसे सैंपल तुम्हारे सामने ये रहे आलिया भट्ट जानवी कपूर सारा अली खान सलमान खान रणवीर कपूर आमिर खान और भी बहुत सारे एक्टर। इनके केस में ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि ये इंडस्ट्री से है या आउटसाइडर है। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि कंप्लीटली आउटसाइडर होते हैं और वही होते हैं सेल्फ मेड स्टार जिनके किसी तरह का भी कोई भी कनेक्शन नहीं था बॉलीवुड में और वो आज जो कुछ भी है अपने मेहनत अपने टैलेंट के दम पर है। जैसे कि एग्जांपल में तुम ले सकते हो सिद्धार्थ मल्होत्रा नवाजुद्दीन सिद्दीकी राजकुमार पंकज त्रिपाठी कार्तिक आर्यन आयुष्मान खुराना और भी बहुत सारे एक्टर है जो कि वो अभी जिस मुकाम पर है वो अपने खुद के दम पर है। इनके केस में भी बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री से है या बाहर के है ये जो भी है अपने दम पे है और अपने टैलेंट के वजह से है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में जिसमें होता है एक्चुअल डाउट जिसके वजह से ये हमारे मन में बैठ जाता है कि ये बाहर वाले हैं या फिर ये इंडस्ट्री से हैं। इनके माँ बाप या इनकी दूसरी फैमिलीज बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं होती है लेकिन इनके दूसरे कनेक्शन होते हैं जो कि इनको फिल्म डेब्यू कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आज जो मैं जिस 7 एक्टर के बारे में बताने वाला हूं वो इसी कैटेगरी में आते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आती है कियारा आडवाणी। तो कियारा आडवाणी की माँ बाप एक्टर या डायरेक्टर नहीं है या उनकी कोई भी फैमिली मेंबर एक्टर या डायरेक्टर नहीं है लेकिन उनके कुछ ऐसे कनेक्शंस है जो उनको फिल्म डेब्यू कराने में उनकी काफी हेल्प की थी। तो कियारा आडवाणी का नाम देखा जाए तो ओरिजिनल में कियारा आडवाणी नहीं था उसका ओरिजिनल नाम था आलिया आडवाणी। तो सलमान सर ने कियारा आडवाणी को फिल्म डेब्यू करने से पहले उनको अपना नाम चेंज करने के लिए बोला था क्योंकि एक फिल्म इंडस्ट्री में 2 नाम के लोग नहीं रह सकते। तो भाई जान की बात मान करके आलिया आडवाणी ने अपना नाम चेंज करके कियारा आडवाणी रखा था और 2014 में कियारा आडवाणी ने अपना फिल्म डेब्यू किया पगली नाम की मूवी से और वो भी देवी के रोल में। और ये फिल्म डेब्यू हो पाया कियारा आडवाणी के पापा के वजह से। कियारा आडवाणी के फादर जगदीप आडवाणी मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके फादर का कनेक्शन इतना बड़ा है कि अंबानी फैमिली से भी कनेक्शन उनकी है और इन्हीं रिलेशन के वजह से कियारा आडवाणी और अनीशा अंबानी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और ये भी कम मानो तो कियारा आडवाणी की मम्मी की कनेक्शन काफी बड़ी बड़ी है जैसे कि सईद जाफरी कायरा आडवाणी के रिश्ते में अंकल लगते हैं और लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार रिश्ते में उनके ग्रेट ग्रैंड फादर लगते हैं। इतना नहीं तो और भी है। रुको जरा सबर करो।
और कियारा एडवानी की मम्मी और सलमान खान चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, क्योंकि दोनों बैंड्रा में पले बड़े हैं और कियारा की माँ और जूही चावला काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। तो भाई जिसके इतने सारे कनेक्शन है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसको तुम बाहर का आदमी नहीं बोल सकते, वो इंडस्ट्री का ही बीज बोया हुआ है। लेकिन खैर जो भी है, कियारा एडवानी एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे मूवियां दी है। अब आते हैं अपने अगले एक्टर की तरफ, जिस पे आते हैं जॉन अब्राहम। और जॉन अब्राहम ने भी बहुत अच्छे अच्छे मूवी दिए हैं, लेकिन रोल किसी तरह का भी हो, बंदा एक्टिंग एक ही तरह से करता है। जॉन अब्राहम का जन्म, पालन पोषण सब मुंबई में हुआ है। ये एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब अपर मिडिल क्लास तुम्हारे लिए मिडिल क्लास नहीं है, ये भाई अमीर लोगों की बात है, ठीक है। इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की थी, और ये बॉम्बे की रईसों की स्कूल है। यहाँ पे बहुत नामी ग्रामी लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्टर भी पढ़े हुए हैं। अब इससे तुमको अंदाजा लग गया होगा कि जॉन अब्राहम का कनेक्शन कहाँ कहाँ तक होगा। जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और ऋतिक रोशन तीनों यही स्कूल में पढ़े थे और तीनों क्लासमेट थे, और यही वजह से तीनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। और जॉन अब्राहम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋतिक रोशन और वो बचपन के फ्रेंड हैं। और जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म की डेब्यू 2003 में आई जिस मूवी से किया था। और जॉन अब्राहम की फिल्म में डेब्यू कराने के लिए उदय चोपड़ा ने जॉन अब्राहम की बहुत हेल्प करी थी, और आज देखो जॉन अब्राहम कितना एस्टैब्लिश एक्टर है। फिर आते हैं अगले नंबर पे रणवीर सिंह, जो एक्टिंग से ज्यादा अपने उल्टे सीधे कपड़े पहने जाने पर जाने जाते हैं, लेकिन भाई एक्टर बहुत ही अच्छा है। अब देखो डॉन के सीरीज में वो क्या करते हैं। जब से भाई इन्होंने पद्मावती मूवी को किया है, भाई मैं नेक्स्ट लेवल फैन हो चुका हूँ इनका। और अपने करियर की शुरुआत इन्होंने बैंड बाजा बारात मूवी से स्टार्ट की थी। लोगों की तरफ से ऐसा बोला जाता है कि रणवीर सिंह बहुत सारे मेहनत किए थे इस रोल को पाने के लिए, लेकिन भाई सच्चाई कुछ और ही है। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो पहले रणवीर सिंह की कनेक्शन को जान लो। रणवीर सिंह के पापा कपूर बहुत ही अच्छे दोस्त है, उसी की वजह से रणवीर सिंह और सोनम कपूर की बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती रही है। और देखा जाए तो रिश्तेदारी में वो दूर के कजन भी है। तो बॉलीवुड से कनेक्शन तो जुड़ गया, अब उनके फादर की बात करते हैं। तो रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवानी का बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। और उड़ती उड़ती खबरों से हमें ये भी सुनने को मिला है कि रणवीर सिंह के पापा ने रणवीर सिंह को डेब्यू कराने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये न्यूज सच है या गलत है, इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम पता कर सकते हो। लेकिन भाई एक बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि जहाँ आग लगती है धुआं वहीं उड़ता है। तो अब रणवीर सिंह की बात खत्म होती है, और अब बात करते हैं उनकी वाइफ के बारे में, जो कि हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है। अब उन्हें हर कोई जानता है कि वो बाहर की है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि उनकी कनेक्शन क्या है। अगर तुमको नहीं पता तो तुमको पहला पॉइंट देता हूं कि उनके पापा कितने बड़े बैडमिंटन के प्लेयर रह चुके हैं। अब जो बैडमिंटन को फॉलो करते हैं तो उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि प्रकाश पादुकोण कौन है और वो कितने बड़े बैडमिंटन इंडिया के रह चुके हैं। अगर 1980 की बात करें तो दीपिका पादुकोण के पापा यानी कि प्रकाश पादुकोण वर्ल्ड के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, और उसी के 2 साल बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी रह चुके हैं उस टाइम पे। तो उनके कनेक्शन क्यों नहीं रहेंगे भाई, तुमको भले पता नहीं होगा इनके बारे में, लेकिन अपने पिताजी से और दादाजी से पूछ करके देखना कि वो कितनों के दिलों में राज कर चुके हैं। 1980 में वो इतने बड़े सेलिब्रिटी रह चुके हैं कि उनका उठना बैठना बड़े बड़े एक्टर के साथ था। और आमिर खान जो कि उस टाइम पे दीपिका पादुकोण को एक रोल भी ऑफर कर चुके थे, लेकिन एज के कारण दीपिका पादुकोण ने वो ऑफर नहीं लिया था। और सलमान खान ने तो दीपिका पादुकोण को 3 मूवी ऑफर करी थी, और वही हुआ जो कि उनको सारे ऑफर रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि उनका एज नहीं हुआ था। लेकिन भाई बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से पीछा छोड़ेगी उनका। अब 2 खानों से ऑफर रिजेक्ट करने से क्या हुआ, तीसरे खान के साथ उन्हें काम करना ही पड़ा। उनकी पहली फिल्म आई थी ओम शांति ओम शाहरुख खान के साथ, वो भी उनका फिल्म डेब्यू था हमारे सुपरस्टार किंग खान के साथ। अजब सी अदाएं हैं आँखों में तेरी अजब। हमारे किंग खान शाहरुख खान के साथ फिल्म डेब्यू कर रही है, उनकी कनेक्शन कहाँ होंगे, तो कितनी बड़ी बातचीत होगी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि हमारे बादशाह के साथ फिल्म डेब्यू कर रही है। उन्होंने मेहनत करके इंडस्ट्री में आई है, हाँ मेहनत तो किया है, लेकिन उनके कनेक्शन भी बहुत बड़े रहे हैं। अब तुमको स्पोर्ट्समैन के बेटे या बेटी के या फैमिली के किसी भी लोगों का अगर फिल्म डेब्यू होता है तो तुम लोग बोलोगे कि वो बाहर से आया है या बाहर से आई है या फिर मेहनत करके आई है या फिर मेहनत करके आया है। तो भाई उनके कनेक्शन भी देखा करो। जिस एक्ट्रेस को फिल्म डेब्यू करने के लिए 2 खान के ऑफर आएंगे तो तुम भाई उसे इंडस्ट्री के बाहर के नहीं बोल सकते। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, जो कि है हमारे अगले नंबर पे अक्षय कुमार। तो अब तुम बोलोगे ये कहां से आ गया, तो रुको जरा इनके भी कनेक्शन तुम्हारे सामने रखता हूं। और हाल ही में वो अभी
इंडियन सिटीजन बने हैं। लेकिन क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे? नहीं ना, आगे बताता हूँ। इनकी पहली डेब्यू मूवी थी आज और ये फेमस हुए थे सौगंध मूवी से। तो इनको मूवी दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है साजिद नाडियाडवाला का। तो अगर तुमको नहीं पता तो साजिद नाडियाडवाला और अक्षय कुमार बचपन के दोस्त रहे हैं और वो भी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। साजिद नाडियाडवाला ने उनको अपनी पहली फिल्म दिलाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और अक्षय कुमार ने खुद अपने मुँह से बताया था जब वो कपिल शर्मा शो पे गए हुए थे। ये क्लिप देखो। आपको पता ना, हम दोनों साथ में एक स्कूल में पढ़े। अच्छा, ये भी नहीं पता था मुझे, मतलब ज्यादा साथ में एक ही बस। मुझे लगा आप और सलमान भाई एक स्कूल में पढ़े थे पहले। नहीं, स्कूल तो हमारी एक थी बट किताब एक ही। तो इसके अलावा एक और भी क्लिप थी जो मुझे मिली नहीं पर मैंने उसे देखा था। कपिल शर्मा शो में ही अक्षय कुमार ने खुद बताया था जब उनकी फिल्म नहीं चल रही थी तो साजिद नाडियाडवाला को बोला था उन्होंने कि मेरे साथ एक फिल्म कर। वो क्लिप मुझे मिली नहीं इसीलिए मैं अटैच नहीं कर पाया। तब साजिद नाडियाडवाला ने 1993 में वक्त हमारा है नाम का एक और मूवी रिलीज की, फिर से एक बार फीचर होने का मौका मिला था जिसमें सुनील शेट्टी भी थे। तो भाई अक्षय कुमार के उतार चढ़ाव में साजिद नाडियाडवाला का बहुत बड़ा ही रोल रहा है और उन्होंने बहुत ही ज्यादा अक्षय कुमार को सपोर्ट किया क्योंकि वो बचपन के फ्रेंड रह चुके हैं। साजिद नाडियाडवाला की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में शुरू से रही है, उनके वजह से अक्षय कुमार को काफी मदद मिली है फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उन्हें कम्प्लीटली फिल्म इंडस्ट्री के बाहर वाला बोलना सही नहीं होगा भाई। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ जो कि है हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन। क्यों धक चुका गए ना, लेकिन जो है सो है भाई। तो हर कोई जानता है भाई अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन है और उनके मदर तेजी बच्चन है। फादर अपने टाइम पे बहुत बड़े पोएट्स थे और उनकी दादी माँ सोशल एक्टिविस्ट थी और दोनों ने भारत की आजादी में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और यही कारण से बच्चन फैमिली और गांधी फैमिली का कनेक्शन काफी अच्छा रहा है और ये कनेक्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हरिवंश राय बच्चन और इंदिरा गांधी को काफी अच्छी तरीके से जानते थे और देखा जाए तो तेजी बच्चन को इंदिरा गांधी का गॉड मदर भी बोला जाता है और उन्होंने ही इंदिरा गांधी को शादी के वक्त तैयार भी किया था। और वहीं दूसरे तरफ अगर तुम देखोगे तो अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। तो क्या हुआ, माँ बाप अगर इंडस्ट्री में नहीं है लेकिन कनेक्शन तो इतने बड़े हैं। तुम ही खुद सोच करके देखो, जो बंदा इतने इन्फ्लुएंसिंग बैकग्राउंड से आता है वो क्यों नहीं इस इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल करेगा। तो तुम मानो या ना मानो अमिताभ का बहुत बड़ा हाथ रहा है उनके कनेक्शन का उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। तो इस लिस्ट को खत्म करते हैं और इस वीडियो का आखिरी इंसान के बारे में बात करते हैं। तो भाई नंबर वन पोजीशन है तो भाई खास आदमी तो होना चाहिए। तो हमारे लिस्ट के सबसे लास्ट नंबर पे है शाहरुख खान। अब तुम शौक हो गए तो शौक होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पहले मैंने काफी अच्छे अच्छे कनेक्शन दिखाए हैं तो तुमको इनके ऊपर भी शौक नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे बताता हूँ आगे। मुझे तो भाई पता भी नहीं था कि शाहरुख खान के इतने तगड़े कनेक्शन होंगे बॉलीवुड में आने से पहले। शाहरुख खान के फादर रहे हैं वीर ताज मोहम्मद खान जो कि पेशावर के रहने वाले थे और उसी मोहल्ले में रहते थे मोहम्मद यूसुफ खान। ये मोहम्मद यूसुफ खान कौन है नहीं पता, ये वही थे जो कि उस टाइम पे बॉलीवुड में बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं। वो है दिलीप कुमार। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले इन्होंने अपना स्टेज नाम दिलीप कुमार रखा था। दिलीप कुमार और शाहरुख खान के फादर वीर ताज मोहम्मद खान बचपन में काफी अच्छे दोस्त रहे हैं और शाहरुख खान दिलीप कुमार को बचपन से ही जानते थे और ये बात उन्होंने काफी इंटरव्यूज में भी बोली है। ऐसा नहीं है कि ये बात किसी से छिपा हुआ है। शाहरुख खान के फादर वीर ताज मोहम्मद खान फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं उस टाइम पे, इसीलिए वो दिल्ली आ गए थे आजादी में अपना योगदान देने के लिए। आजादी के बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया और आ गए रेस्टोरेंट बिजनेस में और आगे चल के इसी बिजनेस में वो कैंटीन भी चलाने लगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई फातिमा से, यानी कि शाहरुख खान की मदर। और फातिमा खान सीनियर गवर्नमेंट इंजीनियर भी रह चुकी है और इंदिरा गांधी की काफी क्लोज एसोसिएट रह चुकी है। तो देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े कनेक्शन हो और तुम्हारा मानना है कि वो मेहनत करके आए। मेहनत तो किए हैं, मैं मानता हूँ मेहनत किए हैं, लेकिन उनके कनेक्शन भी कुछ कम नहीं रहे हैं। तो शाहरुख खान जब मुंबई आए तो उनको फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कराने के लिए उनके कनेक्शन काफी काम आए और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में टेलीविजन में फौजी नाम के एक शो से किया था और उनके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यानी कि शाहरुख खान के होल लाइफ हिस्ट्री के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे उनकी जर्नी रही है। अगर तुम वो वीडियो को नहीं देखे हो और इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को चेक कर सकते हो। और तुम विजय सेतुपति के बारे में जानते हो और उनके बारे में और जानना है तो ये वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।